दर्जन अन्य दर्जन वक्त की खबरों पर देश के अलग अलग प्रांतों में गुरु पूर्णिमा शानदार तरीके से मनाई गई। पंडित श्री राम शर्मा की पावन जन्मभूमि आवलखेड़ा में भी गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया गया। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के अवसर को और भी खास बना दिया। पंडित श्री राम शर्मा की पावन जन्मभूमि आवलखेड़ा में गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से विशाल आयोजन किया गया। 21 कुंडी यज्ञ कुंडों में करीब 50,000 लोगों ने आहुतियां दी। यहां के साधकों द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी। बता दें कि गायत्री माँ के सेवक स्वयं सारी व्यवस्था करते हैं, किसी भी शासन प्रशासन की कोई मदद नहीं ली जाती है। साधकों ने पानी की प्याऊ से लेकर मेडिकल तक का सारा जिम्मा अपने ऊपर लिया। दवाओं के डॉक्टर की टीम ही मौके पर मौजूद थी। प्रसाद के साथ साथ सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। मैं आज नहीं आया, मैं यहाँ से गुरुपुर हूँ और अप्रैल से यहाँ पर रह रहा हूँ। अप्रैल से यहाँ पर तो आपकी तरफ से और भी लोग वहाँ से आते करते हैं? हाँ, काफी लोग। क्या क्या मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको देखिए, समाज को आज सबसे बड़ी बात ये है, एक सूत्र में बांधने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा था कि हम धरती पर स्वर्ग लाएंगे, देवत मनुष्य में देवत्व जगाएंगे। इस परिपूर्ण संकल्प को करने के लिए समाज में हम जाते हैं और एक ही नारा लगाते हैं कि हम सुधरेगा, ये सुधरेगा, हम बदलेगा, ये बदलेगा। इस विचार क्रांति अभियान को लेकर के हम गांव गांव जा रहे हैं और अच्छे विचारों को, प्रभु जी के देव विचारों को समाज में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। घर घर यज्ञ दीपक के माध्यम से प्रभु जी गुरुदेव के विचारों को हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी जैसा यहाँ पे मेडिसिन का भी अपना बोल लगा हुआ है, ऐसा है कि समाज में हम लोग जो बीमारियों से मुक्त हैं, फ्री इलाज हो रहा है और हमारे विद्वान चिकित्सक डॉक्टर जो है उनको दवा दे रहे हैं। जैसा आपके यहाँ आज चलता है कि जो देश की आयुर्वेदिक इलाज जो होता है आपका, आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज हो रहा है और उसके लिए आप आज के दिन कोई विशेष चीज नहीं लगवा? नहीं नहीं, हर समय लगता है, वो 24 आवर्स रहता है, कभी भी बाहर से साथ लगा। बाहर के लोग आते हैं उनको पूरी सुविधा, मेडिसिन की पूरी सुविधा मिलेगी। अगर बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो उनके लिए क्या क्या सुविधा रहती है? उनके लिए आवास की सुविधा है, भोजन की सुविधा है, दैनिक यज्ञ करते हैं, साधना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव, और निःशुल्क आवास है, कोई उनका चार्ज नहीं होता। इसी तरह का कोई चार्ज नहीं, इसी तरह का कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। सबकी श्रद्धा भावनाओं को साथ करते हुए सबको निःशुल्क भाव से। देश विदेश से आए श्रद्धालु अपने आप को गुरु पावन जन्मभूमि में आकर धन्य मान रहे थे। सुबह 4 बजे से लोगों का तांता लगा रहा। तो यहाँ गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हर साल मनाया जाता है? हाँ, गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में गुरु जी के श्रद्धालु बाहर से और क्षेत्र के लोग, कल लगभग हमारे अंदाज से जितना हमने देखा है कि 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई यहाँ। और क्या इसके अलावा क्या क्या और कोई प्रोग्राम चलता है आज के दिन? और भी कोई प्रोग्राम चलेगा? हाँ, आज के दिन और हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे कोई दीक्षा लेना चाहता है तो दीक्षा का प्रोग्राम अलग चल रहा है हमारे यहाँ, मुंडन संस्कार कहीं अलग चल रहा है और विद्या रंभो संस्कार कहीं दूसरी ये चल रहा है, नामकरण है, मतलब जितने भी हमारे 14-15 संस्कार हैं ये सभी अलग अलग स्थानों पर वहाँ सम्पन्न हो रहे हैं। जैसे बाहर से भी कुछ लोग वगैरह आते हैं? हाँ हाँ, बाहर से भी लोग आए हुए, अपने भारत से बाहर विदेशों के भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो कि वहाँ संस्कार कराने के लिए श्रद्धालु आए हुए अपने बच्चों का संस्कार कर रहे हैं और यज्ञ भी कर रहे हैं। बाहर के लोग आते हैं तो रुकने की क्या व्यवस्था है आपकी? बाहर के लोग आते हैं तो हमारे यहाँ रुकने के लिए वहाँ बैग है, कमरे हैं, जो बाहर के लिए विशेष रूप से आते हैं उनके लिए अलग अलग कमरे भी हम लोग देते हैं। आवलखेड़ा निवासी रवि, नेताजी, चंद्रपाल सिंह, श्री किशन दिवाकर ने भोजन की व्यवस्था संभाली, सोनू जादव ने पानी की व्यवस्था संभाली, क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों ने भी भर चढ़कर सहयोग दिया। आगरा से पंकज चौहान की रिपोर्ट, यूपी की आवाज के लिए।